मैं एक रिफर्बिश्ड लाइक न्यू कंडीशन फ़ोन का रिव्यू करने जाता हूँ। यह फ़ोन टू गुड्स वेबसाइट से ख़रीदा गया है। इस फ़ोन की बात करें तो यह मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस मिल गया, 4,999 रुपये का। इस फ़ोन की बात करें तो फ़ोन डिपेंड करता बदलता रहता रेट। टू गुड वेबसाइट एक रिफर्बिश्ड वेबसाइट फ़ोन बेचती है, अब ये न्यू फ़ोन भी बेचती है, लेकिन ज़्यादा करके न्यू फ़ोन में रिफर्बिश्ड फ़ोन मिलता है। इस फ़ोन को ओपन करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स कंटेंट क्या मिलता है। इस फ़ोन को 2014 में लॉन्च हुआ था। यह फ़ोन करीब डिपेंड करता ऑफ़र क्या चल रहे हैं क्या नहीं। इस फ़ोन की बात करें तो इस फ़ोन को हम देखते हैं तो इसमें हमें एक्सेसरीज सब ओरिजिनल मिलते हैं, लाइक हमें चार्जर, हेडफोन, ये सब ओरिजिनल है। साथ में हमें एक बैक कवर भी मिल जा रहा है जो कि इसमें लगा हुआ है। अब बैटरी मिलती है। इस फ़ोन की बात करें तो लाइक न्यू में सब ओरिजिनल कंटेंट सब बॉक्स होते हैं। ये फ़ोन की बात करें तो इसका जो डिस्प्ले साइज़ है 4.7 इंच का है, HD+720p का। इसका प्रोसेसर जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 400। इसका फ्रंट कैमरा है 5 MB और रियर कैमरा 6.7 MB का। और इसका रैम जो 1 GB है, स्टोरेज का रोम जो है 8 GB है। बैटरी इसकी जो है 2220 mAh की है और ये एंड्रॉय विंडो OS पे चलता है, विंडो 8.1 पे। इसको विंडो 10 में अपग्रेड किया जा सकता है। इस फ़ोन की बात करें तो यह फ़ोन काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया, लाइक प्राइस अप डाउन होता रहता है। इसकी लॉन्चिंग प्राइस 15,299 रुपये था। बाकी लुमिया इस समय ख़त्म हो चुका है पूरी तरह। इस बात करें तो नोकिया लुमिया जो है अब एंड्रॉयड फ़ोन बनाती है, नोकिया लुमिया फ़ोन नहीं बनाती है। अब लुमिया ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ फ़ोन जो पड़े हैं अभी सेल आउट होते हैं लाइक रिफर्बिश फ़ोन के नाम से। बाकी फ़ोन का बैक कवर इसको चेंज कर सकते हैं, मैंने वाइट लगा लिया है इस बैक कवर को। बाकी फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, फ़ोन में कोई इशू नहीं है। माइक्रो USB चार्जर मिलता है। यह फ़ोन एक सेल्फी फ़ोन था। इसका जो है इसका डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, कैमरा क्वालिटी बढ़िया है, बैटरी लाइफ बढ़िया है। इसका सिर्फ विंडो OS थोड़ा वीक है, इसमें ऐप्स की कमी है, बाकी इसका सब फीचर सॉलिड था उस टाइम। और ये जो फ़ोन था सेल्फी स्टैटिक फ़ोन था। इसका फ्रंट कैमरा से हम 1080p का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं Full HD में। इसके बैक कैमरा से Full HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, कैमरा काफ़ी बढ़िया है। बाकी इस फ़ोन को फ्यूचर में यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसा है कैसा नहीं। उस समय लुमिया काफ़ी बढ़िया चलता था, एक कॉम्पैक्ट साइज फ़ोन है। और लुमिया सीरीज़ का जो है इसमें रैम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका जो OS है काफ़ी लाइट वेट OS होता है। और OS में 1 GB में भी बहुत बढ़िया चलता है फ़ोन, एंड्रॉयड की तरह नहीं है। एंड्रॉयड में तो हमें रैम ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में जो लुमिया फ़ोन्स थे विंडो के, उनमें रैम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बाकी इसका इसमें वाईफाई है, ब्लूटूथ है, FM रेडियो जो भी है। बात करें तो इसमें जो है टाइल की तरह ऐप्स आते हैं। इसमें हमें फेसबुक मिल जाता है, सोशल ऐप्स मिल जाता है, और कैलकुलेटर और भी सारे ऐप्स मिल जाते हैं। इसमें थोड़ा ऐप्स ऐप स्टोर की में ऐप्स की कमी है, जिससे एंड्रॉयड में हम कई तरह ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही, जो विंडो का स्टोर है वहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं, बाहर से कहीं ऐप्स में इंस्टॉल नहीं होता। इसका जो कैमरा है काफ़ी बढ़िया है, ऊपर हमें 3.5 ऑडियो जैक मिलता है, नीचे हमें माइक्रो USB चार्जर, हमें राइट में पावर बटन अप डाउन, और पीछे हमें कैमरा कार्ड जाइज ऑप्टिकल, और हमें यहाँ पर कैमरा फ्लैश, और नीचे में नोकिया की ब्रांडिंग। अब इस फ़ोन में दिया गया कैसे हम कवर को रिमूव कर सकते हैं। बाकी इसका कवर जो रिमूव करना बहुत ही टाइट है, बहुत हार्ड होता है, इसको जल्दी रिमूव कर नहीं पाते, कई बार तो कवर डैमेज भी हो जाता है, टूट भी जाता है। बाकी फ्यूचर में इस फ़ोन को यूज़ करेंगे, अब देखेंगे फ़ोन कैसा परफॉर्मेंस करता है। बाकी इसमें कोई लैग इशू नहीं है, फ़ोन काफ़ी स्मूथ चल रहा है। इस फ़ोन की बात करें तो यह काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, बाकी यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।